हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं मड का शूटिंग एरिया, जहां पे अक्सर वेब सीरीज, फिल्म, क्राइम शो, सीरियल की शूटिंग होती रहती है। और साथ साथ में आपको मैं दिखाऊंगा कालीन भैया, मतलब कि पंकज त्रिपाठी का बंगलो, जहाँ पे वो रहते हैं, वो मड में ही रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पंकज त्रिपाठी किस बंगलो में रहते हैं। तो चलिए चलते हैं। और मुझे मड जाने के लिए बोट से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वर्सोवा विलेज में रहता हूँ। तो वर्सोवा विलेज से मड जाने के लिए बोट से जाना पड़ता है। तो वहाँ पे दो बोट चलते हैं, एक 5 रुपये वाली और एक 10 रुपये वाली। तो चलिए देखते हैं हम किस पे जाते हैं, 5 रुपये वाले पे और या 10 रुपये वाले पे। तो चलिए बने रहिए आप हमारे इस ब्लॉग में अंत तक। तो अभी हम अपने रूम से जेटी की तरफ आ गए हैं, जहाँ से हम बोट लेकर मड जाएंगे। तो हम जा रहे हैं 10 रुपये वाली बोट की तरफ, क्योंकि 5 रुपये वाले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इस वजह से हम जा रहे हैं 10 रुपये वाले बोट की तरफ। तो चलिए आगे चलते हैं। वो सामने जो दिख रहा है उधर 5 रुपये वाली बोट लगती है, और इधर जो सीधा दिख रहा है उधर 10 रुपये वाली बोट लगती है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये सामने एक बोट लगी है जिस पे काम चल रही है, और उधर जो दिख रहा है आपको बोट, वो 5 रुपये वाली है जिसमें बाइक वगैरह सब जाती है। जैसा कि देख सकते हैं, अब ये जो दिख रही है अभी आपको, वो 5 रुपये वाली है। और ये सामने देख सकते हैं बोट की मरम्मत चल रही है, काफ़ी बड़ा बोट है ये, देख सकते हैं। और सामने जो है ये 10 रुपये वाली बोट लगती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इधर भी बोट खड़ी है, सब कोई यूज वाले हैं, बिना यूज वाले भी हैं कुछ। तो ये देख सकते हैं हमारी 10 रुपये वाली बोट आ रही है, जो कि हमें इस साइड से मड के साइड लेके जाएगी। तो यार फाइनली देख सकते हैं ये आ रही है। लोग अभी मठ से सब आए हुए हैं और अपने अपने काम के लिए जाएंगे। लोग थोड़ी सी समुद्र की सैर कर लिया जाए, उसके बाद हम मठ पहुंच जाएंगे। और उधर जो दिख रहा है आपको हमारे, फाइनली हम दूसरी साइड आ गए हैं, और सामने टिकट काउंटर है, और तो हमें भी यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। ये देख सकते हैं सामने टिकट है 10 रुपये, यानी कि हम लोग दो लोग हैं तो 20 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा हमें। तो चलिए चलते हैं आगे। और वेयर आर यू ब्रो? मड शूटिंग एरिया में जा रहे हैं हम। ओहो, यहाँ पे अक्सर मड में शूट होता रहता है। ओ तो कुछ आज कुछ, हाँ कुछ क्रेजी होने वाला है, कुछ नया। ऑफ कोर्स नया। चलो हमने मड एंटर कर लिया है, तो फाइनली हम दोनों मड आ गए हैं और बोट के जरिए। तो वहाँ पे दो बोट चलते हैं, एक 5 वाला एक 10 वाला। भाई साहब को 5 वाले में तो मज़ा आता नहीं, वो तो बहुत भीड़ रहता है, मुझे भीड़ में पसंद नहीं है। तो हम लोग 10 वाले में आए हैं मड, और अभी हम एक अलग रास्ते से जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो वर्सोवा से आते हैं उनको बहुत कम लोगों को ही पता है इस रास्ते के बारे में। तो चलिए अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो मड में शूटिंग एरिया है, जहाँ पे अक्सर क्राइम शो, सीरियल, फिल्म्स की शूटिंग होती रहती है, तो
आज वो दिखाएंगे आपको, और साथ साथ में जो कि पंकज त्रिपाठी का घर है वो दिखाएंगे। और देखिए शूटिंग का नाम लिया, और इधर देख सकते हैं आप कि इधर शूटिंग चल रहा है, ये देख सकते हैं। इधर शूटिंग चल रहा है अभी, तो अभी आगे और भी आप जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पे अक्सर शूटिंग होती रहती है। और इधर ही पंकज त्रिपाठी का घर भी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और ब्लॉग को एंड तक देखिए, और देखने के बाद उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो वो सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। चलिए चलते हैं आगे। देख सकते हैं इन सब जगहों पे भी शूटिंग होती है। तो यार हम अभी पैदल ही चल के जा रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ दिखा पाए। तो आज अमन कितने बजे सो के उठ गए? फिलहाल तो सोया ही नहीं था। ओके, जागता रहता हूँ। हाँ यार, मेरे फ़ोन का वेट कर रहे थे क्या? क्योंकि इनका फ़ोन आया, मैं हाथ धो के बाहर निकला। क्योंकि मैं इनको ना कल ही बोल के रखा था कि भाई मैं 10-11 बजे फ़ोन करूँगा, तुम तैयार होके आ जाइयो। और अभी हम फिलहाल मट लोकेशन में हूँ, मुंबई में, और जहाँ आपको एक आइलैंड जैसा आप सर्च भी मार सकते हो मैप पे, आपको मैप पे बहुत अलग दिखाई देगा। हाँ, उसी जगह पर हम खड़े हैं इस वक्त, जिसके तीनों साइड पानी है और एक साइड सिर्फ जाने का रास्ता है, बाकी इसके तीनों साइड पानी है, तो एक आइलैंड के जैसा बीच में है। तो यार अमन, ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? देखो ब्रदर, हम ना बहुत मेहनत कर रहे हैं यार इस चीज़ के लिए, तो आप एक सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक शेयर, तो शेयर तो ज़रूर बनता है, यदि आपने देखा तो आगे लोग भी देखें, सही है। और अभी हम आपको एक सुपरस्टार का घर दिखाने जा रहे हैं, जो अभी अभी फिलहाल इसमें फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हुए थे, उनका नाम पंकज त्रिपाठी है। चले। तो यार थोड़े डिस्टेंस पे उनका बंगलो है, तो हम अभी रास्ते में ही हैं, चलते हैं आगे। और हम पैदल ही जा रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को ना हम पूरा व्यू, पूरा एरिया जो है वो अच्छे से दिखा पाएँ, जो कि शूटिंग एरिया है वो अच्छे से दिखा पाएँ। तो चलिए आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। मड में ना एक अलग सुकून है दोस्तों, पूरा ये शांत माहौल वाला इलाका है, ना कोई चिल्लम चिल्ली, बिल्कुल शांत इलाका है, गांव की तरह फील होता है यहाँ पे। हाँ, पेड़ पौधे देख सकते हो, कितने सारे पेड़ पौधे, गांव में जैसे होता है ना वैसा ही है। तो यार दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं, और ये जो कंपाउंड देख रहे हैं उसी बिल्डिंग का एक कंपाउंड है, और सामने ही बिल्डिंग में रहती है, काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है। तो उनका शायद एक फ्लोर है, हमें पूरी तरह आइडिया नहीं है, बट उनका ही फ्लोर है, इसका नाम है, देख सकते हैं रहे जा, इसी में है उनका बिल्डिंग, ये बड़ी बिल्डिंग जो दिख रही है इसी में। और इसके आसपास भी उनका है, क्या नाम है वो कपिल शर्मा शो में जो जज रहती है, उनका नाम क्या है, नाम दिमाग में नहीं आ रहा, वो भी इधर ही रहते हैं, ज़्यादा हंसते हैं, कॉमेडियन। तो उनका भी घर इधर ही है, उनका रिस्पेक्ट बहुत है, बट नाम नहीं पता, नाम नहीं पता, नाम याद नहीं आ रहा है, नाम पता है बट अभी याद नहीं आ रहा है। तो उनका भी शायद ये बिल्डिंग है ना बड़ी वाली, उसके आसपास ही है। तो यार अब जो शूटिंग एरिया है ना वो स्टार्ट होने वाला है, इधर अक्सर
शूटिंग होती रहती है सीरियल्स की, क्राइम शो की, मूवीज़ की, वेब सीरीज की। तो हम अब पहुंचने वाले हैं जिधर शूटिंग अक्सर होती रहती है। इधर सेट बना हुआ है अलग अलग, कहीं पुलिस स्टेशन का सेट बना हुआ है तो कहीं बेडरूम का सेट बना हुआ है, तो ऐसे ही अलग अलग सेट बने हुए हैं जहाँ पे शूटिंग होता रहता है। तो ये देखिए, ये भी गेट है, एंट्री गेट। तो अब स्टार्ट ही होने वाला है, अलग अलग सेट बने हुए हैं तो आप देख सकते हैं। जो ये एरिया है ना, इस एरिया में, पूरे एरिया में अक्सर शूटिंग होती रहती है, देख सकते हैं। कैसा लग रहा है मन? बहुत मजा आ रहा है यार, बंगले देख के लगता है यार मेरा ही है यार। इतने खूबसूरत खूबसूरत बंगले हैं ना, क्या बताऊँ मैं, ऐसा लगता है काश ऐसा बंगला हमारा होता और ऊपर वाले ने चाहो तो जरूर ऐसा बंगला होता। ये सब शूटिंग एरिया है, ये देख सकते हैं, ये वो बिल्ला सब जो सारे एरिया दिख रहे हैं शूटिंग एरिया ही है। इधर हर जगह शूटिंग होता रहता है अक्सर। बहुत पावरफुल आदमी है हम, धूप में मुंबई में चलना मुश्किल बहुत है। धूप में चल रहे हैं यार। तो यार गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, स्वाद नहीं बता सकता। तो भाई ने बोला कि यार आइसक्रीम लेते हैं ना, हम बोला हाँ ले लो। तो हम लोग अभी आइसक्रीम खा रहे हैं और साथ साथ में आप लोगों को शूटिंग का जो है कुल्फी, बहुत टाइम हो गया यार कुल्फी का है हुए, देख सकते हैं। स्कूल टाइम याद आ गया, जो भागते हुए आता था ना स्कूल से, तो कुल्फी वाला आया होता पॉपी पॉपी, देख सकते हैं। ये भी शूटिंग एरिया, यहाँ पे लिखा हुआ बुकिंग के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये भी देखिए, एक बार आए थे तो यहाँ पे शूटिंग चल रहा था, अभी तो नहीं चल रहा है। देखिए ये इधर जितने सारे आपको बंगलो दिख रहे हैं, ये शूटिंग एरिया ही है, देखते हैं। ये भी शूटिंग एरिया ही है। तो यार आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, कौन सा फ्लेवर है पता नहीं बट बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, कमेंट में आप अपना एड्रेस लिख दीजिए, इच्छा हुई मन हुआ तो भिजवा दोगे? क्या बात है, बहुत दिलदार आदमी है, भिजवा देगा, टेंशन मत लो। आप नंबर दे देना, मजाक कर रहा, नहीं भिजवाएगा, बहुत कंजूस है। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी शूटिंग एरिया ही है। इधर अंदर पुलिस स्टेशन बना हुआ है, मैं एक बार अंदर गया हुआ था, तो अंदर पुलिस स्टेशन बना हुआ है। यहाँ से एंट्री गेट है और अभी ताला लॉक है। ये तो देखिए वो बिल्डिंग जो दिख रहा है अंदर, वो पुलिस स्टेशन बना हुआ है। तो किन्हीं को रिक्वायर होती है पुलिस स्टेशन की, तो बुक करके यहाँ पे शूट करें, देख सकते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है शूटिंग के लिए कॉन्टेक्ट करें बुकिंग के लिए, देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पोस्टर में, ये अंदर का एरिया दिख रहा है कि ऐसा अंदर है, देख सकते हैं। ये सारे शूटिंग एरिया भी, ये भी देख सकते हैं, ये भी शूटिंग एरिया है। कैसा लगा आइसक्रीम खा के? मजा आ गया, बता नहीं पा रहा हूँ यार। इतना टेस्टी है क्या फ्लेवर? ओह
मुंबई ऐसी गर्म सड़कें, क्या बात कालजे में ठंड और साथ में दो दोस्त, अलग ही मजा। तो अभी सामने एक चर्च भी है, बड़ी बड़ी बात आप लोग देख रहे और 1000 फुट की मेन टैरिफ, यानी 2000 फुट की टैरिफ और 1000 फुट का। ये जो सामने देख रहे हैं चर्च है, वाह ये बिल्डिंग भी कितनी बड़ी, कितनी खूबसूरत है। तो ये इधर भी देख सकते हैं, शूटिंग एरिया है। इधर ज़्यादातर बिल्डिंगें जो है ना वो शूटिंग के लिए बनाई गई, जो किराया पे देते हैं शूटिंग के लिए। ये भी देख सकते हैं, ये भी शूटिंग एरिया ही है, इसके अंदर भी शूटिंग होता है। सब पे नाम एंड नंबर लिखा हुआ है कि आप बुकिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और इधर का भी एरिया जो है वो शूटिंग एरिया ही है। उधर से समुद्र का व्यू दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। नारियल के पेड़ भी ये देख सकते हैं, नारियल के पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं यार। अजीब हो गया ना, पिछली बार आए थे तो कितना मस्त दिख रहा था ये। तो दोस्तों रिटर्न हम फिर से आ गए हैं कालीन भैया के बंगलो पे, जहाँ से वो अपने कट्टे का धंधा चलाते हैं मतलब उनका घर है, मतलब पंकज त्रिपाठी का बंगलो के पास हम रिटर्न आ गए हैं। और यहाँ पास में ही है, अभी नाम याद आ गया उनका, अर्चना पूरन सिंह। तो उनको भी, उनका भी बंगला यहीं आसपास ही है, परफेक्ट आइडिया नहीं है कहाँ पर, बट यहीं आसपास ही। तो रिटर्न हम आ गए हैं कालीन भैया के बंगलो के पास, गर्मी थोड़ी शांत होगी जब, और इधर पेड़ की छांव है, इस वजह से थोड़ी गर्मी कम लग रही है। नहीं तो इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी, पूरा पसीना पसीना हो गया था। तो ये उनका ही कंपाउंड है, और बिल्डिंग के किस फ्लोर में रहते हैं इसका आइडिया नहीं है दोस्तों, बट इसी बिल्डिंग में रहते हैं ये कन्फर्म है। देख सकते हैं कितना मस्त इलाका है, बिल्कुल दुनिया से परे शांत। तो ये आ गया कालीन भैया का एंट्री गेट। तो ये मिर्ज़ापुर में तहलका मचा के इधर ही रहते हैं कालीन भैया, देखो इधर से एक कट्टा का धंधा अब चला रहे हैं। आओ यार ये देखिए, ये पूरी बिल्डिंग मैंने सर फिर कभी आऊँगा ये इसी बिल्डिंग में रहते हैं कालीन भैया, अपना कट्टे का धंधा चलाते हैं। दोस्तों हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और साथ साथ ही उम्मीद है कि आप लोग भी इन्जॉय किए होंगे ब्लॉग को देखकर। तो जो लगभग शूटिंग एरिया था हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया। तो यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक अच्छे ब्लॉग के साथ, एक खूबसूरत ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप ये शेयर करेंगे, हाँ यार सब्सक्राइब करेंगे यार, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं यार। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो शायद ज़मीन से आसमान भी पहुंच सकते हैं। तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है हमें, तो आप हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और लाइक करें। कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं आपको ब्लॉग कैसा लगा, ताकि हमें उत्साह मिले, हम और अच्छे से ब्लॉग बना पाएँ। तो यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो चलिए मिलते हैं, love you all.